मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? ये सवाल था। बहुत संतुष्ट 37% लोगों ने कहा, कम संतुष्ट 25% लोगों ने कहा। अब इसके मायने थोड़ा गहराई से समझने होंगे। तो क्या कश्मीर में हिंदू होना अब भी गुनाह है? सारा का सारा ठीकरा अगर केंद्र के मत्थे मर दिया जाएगा तो राज्य सरकारों का फिर क्या काम? देखिए देखिए फिर गाली मारी मैडम को। अरे गाली मैडम मैडम को इतिहास के बारे में इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल एडविना माउंटबेटन का और भी कोर्ट खोलूंगा अभी नेहरू। और जो प्रेस के लोग जो बकवास करते हैं, प्रेस के लोग, तीन तीन महीने से हम देख रहे हैं इनको, बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम कराए इन्होंने। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया की ही करते हैं। हर बार मीडिया में कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। पिछले हफ्ते हमने आपको न्यूज 18 द्वारा तूफान की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए दिखाया था और उसकी सच्चाई भी आपके सामने लाई थी। বুকে যে জল থইথই অবস্থা, এভাবেই সাঁতার কেটে তারা যাচ্ছেন, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এবং সব মিলিয়ে বলা চলে যে দীঘা শহরের যে অবস্থা, একবারে সমুদ্রের জল ঢুকে বিপত্তি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে। अब न्यूज 18 का एक और वीडियो देखिए कि टीआरपी के लिए मीडिया क्या कुछ नहीं करता। তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে নদীদ্বীপ মাজুলীত আর সেই অজগরটোর সন্ধানত আমিও নামি পড়ছো। আসলে কত আছে সেই প্রকাণ্ড অজগরে গোটে গোটে গিলিলে সংবাদ কর্মী, শিহরণকারী ঘটনাটো মাজুলীর। কিছুদিন ধরে মাজুলীত বিচরণ করে থাকা একটা প্রকাণ্ড অজগরের বাতরি সংগ্রহ করে থাকা অবস্থাতেই নিউজ 18-র এজন সংবাদ কর্মী গোটে গোটে গিলিলে অজগর ডালে। हाल ही में मोदी सरकार के सत्ता में 7 साल हो गए। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी 7.3% घटी है। और भी आंकड़े देखें तो कई सर्वेस में भारत की रैंकिंग गिरी है। ऐसे में मीडिया सवाल करने की बजाय सरकार का बचाव करता दिखा। एबीपी न्यूज ने एक पोल चलाया जिसमें सवाल था कि मोदी कितने लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन, आप खुद देखिए। सर्वे में जो सवाल था सी वोटर का, सवाल यह था कि प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर कौन, और जवाब में जो तमाम जवाब मिले हैं उस पर आप गौर फरमाइए। नरेंद्र मोदी ऐसा 42% लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी 12% पर हैं, जबकि मनमोहन सिंह कहने वाले 6% लोग हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसा कहने वाले 6% लोग। प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद आज भी नरेंद्र मोदी हैं, कंपेयर टू ऑल दी जितने हिंदुस्तान में बड़े पॉलिटिकल फेसेस नजर आते हैं, 42% लोग नरेंद्र मोदी पर ही ज्यादा बेहतर पीएम होने का दावा करते हैं, पसंद करते हैं। मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? ये सवाल था। बहुत संतुष्ट 37% लोगों ने कहा, कम संतुष्ट 25% लोगों ने कहा, असंतुष्ट 36% हैं, कह नहीं सकते 2%। तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत संतुष्ट कम संतुष्ट, मतलब बहुत और कम संतुष्ट मिलाकर 62% लोग संतुष्ट हैं मोदी सरकार के कामकाज से। अब इसके मायने थोड़ा गहराई से समझने होंगे और वो ये कि दोनों को मिलाकर सम्मानजनक आंकड़ा आ रहा है। मीडिया डिबेट्स में हमें उम्मीद रहती है कि जरूरी मुद्दों पर नेताओं से उनका जवाब सुनने का मौका मिलेगा, पर आजकल के डिबेट में गाली गलौज अपशब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है और एंकर डिबेट को रोकने की बजाय एक मूक दर्शक बन जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। पांच दिन दो दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडविना के पैर दबाते थे, ये बताएंगे सिर्फ वीर सावरकर के बारे में। और इनकी अध्यक्षता तो अभी देखिए फिर गाली वाली मैडम को। अरे गाली मैडम मैडम को साइड, गाली इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है, एडविना माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था, नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे। पेट्रोल महंगाई पर डिबेट मीडिया चैनलों में कम ही देखने को मिलती है, पर अगर विपक्ष ने सरकार पर कोई टिप्पणी की है तो उस पर घंटों डिबेट जरूर होती है। हाल ही में मीडिया की डिबेट्स किन मुद्दों पर रही, आइए देखते हैं। बम
बंदूक से राष्ट्रवाद की आवाज ना दबी है और ना दब पाएगी कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी कैसे होगी। घाटी में पंडितों से इतना डरते क्यों हैं आतंकवादी? आखिर चुभते क्यों हैं पंडित? क्योंकि कश्मीर में हिंदू होना अब भी गुनाह है। सारा का सारा ठीकरा अगर केंद्र के मत्थे मर दिया जाएगा तो राज्य सरकारों का फिर क्या काम? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार कई परियोजनाओं का भूमि पूजन करवा रही है। ये कितना डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी। मेहुल चौकसी का क्या किया जाए? कैबिनेट ने फैसला किया जाए कि मेहुल चौकसी को भारत को सौंप दिया जाए। भगोड़े मेहुल चौकसी के भारत वापस आने की संभावनाएं बढ़ गई है। पिछले दिन ही किसान आंदोलन का मुद्दा भी गोदी मीडिया की सुर्खियों का विषय बना रहा। आज तक पर राकेश टिकैत का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने राकेश टिकैत को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की, पर ऐसा नहीं हुआ और उल्टा राकेश टिकैत ने ही मीडिया की क्लास लगा दी। और प्रेस के लोग, प्रेस के एंकर, बड़े बड़े प्रेस के लोग बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम करेंगे, तीन तीन महीने तक आंदोलन का पता नहीं लेंगे, किस चीज की बात करते हो आप? सारे बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं सारे लोग, ये देश देखता है आपको भी। और जो प्रेस के लोग जो बकवास करते हैं, प्रेस के लोग तीन तीन महीने से हम देख रहे हैं इनको, बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम करा है इन्होंने, या देश की जनता देखती है उनको? सबक दिखाएगी इनको देश की जनता, दिखाएगी हमारे उससे कोरोना बड़ा है देश में, कानून छोटा है सरकार के उससे। तो ये थी इस हफ्ते की बात। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मजेदार न्यूज देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।